वेलकम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 20 क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है इसलिए आज मैं इसको आपको हैंड से करा रही हूँ। चलिए इसमें देखिए बता रहे कि वेरियस इलेक्ट्रिक गैजेट ऑफन वी यूज रजिस्टर्स इन वेरी कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। तो दो तरीके हैं रजिस्टर्स को जोड़ने के, जो रजिस्टेंस आए थे ना हमारे पिछली वर्कशीट को आप जरूर देखिए जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो तरह के होते हैं, या तो रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल। सीरीज मतलब होता है कि साथ साथ में लगे हुए। देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और ये रजिस्टेंस कहलाता है। चार रजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर सीरीज में लगे हुए तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल आर कितना होगा इसका, अगर टोटल रजिस्टेंस पूछा जाए कंबाइन करके तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 या RN तक चलता रहेगा। तो अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है ना। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है इस तरह से है, एक दूसरे के पैरेलल में है R1 R2 R3 R4, ठीक है, पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला होगा 1/R इक्वल टू 1/R1। ये टोटल रेजिस्टेंस है, क्या है ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अपॉन में होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए सीरीज वाला पढ़ लेते हैं। करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इस सिचुएशन में क्या होता है, करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट कांस्टेंट होता है और इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। इसमें अगर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए या हीटर लगाए तो ये कनेक्ट करना पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल में नहीं है। व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, अगर क्योंकि अगर एक भी सिस्टम फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम इसमें ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो नन ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। ये आपने डेकोरेटिव लाइट देखी है ना दिवाली के टाइम पे, वो इसी तरह से सीरीज में लगे होते हैं। तो देखिए एक अगर बल्ब फ्यूज होता है तो सारी की सारी लाइट सिस्टम नहीं चलती है, यही होता है ना, उसको फिर ठीक करना पड़ता है। पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड्स थ्रो, इसमें करंट देखिए सेम रहेगा, यानी आई इज आई ही रहेगा, समझ में आ गया, करंट कांस्टेंट है। तो सर्किट पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट जो है डिवाइड हो जाता है, इसमें करंट अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, डिवाइड हो जाएगा थ्रो इलेक्ट्रिक गैजेट के द्वारा। तो टोटल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, कि भाई करंट डिवाइड हो गया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया। तो ये जो 1/R है ना, इसीलिए लिखा हुआ है, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो डिक्रीज आएगा, जो कि हम गैजेट को चलाने में इस्तेमाल होता है, और रिक्वेस्ट टू करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली एज डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घरों में जो हम जो चीजें यूज करते हैं उसमें इस तरह से ही पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 क्या है, इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम दे रखा है, और कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी ये R1 मान लेते हैं या R2 मान लेते हैं, वो 4 ओम का है, कंडक्टर मतलब कि वायर का, ठीक है। आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड है, और 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी वी कितना है 6 वोल्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि ये सीरीज में है तो हम टोटल रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दो आर है यहाँ पे, तो हो जाएगा आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 20 और 4 को हम जोड़ देंगे 24 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल को हमेशा आर से डिनोट कीजिए ताकि आपको यूनिक नंबर लगे, 1, 2, 3, 4 नहीं करना है इसमें। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिनल बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए V इक्वल टू होता है IR, फॉर्मूला है ये, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो दे ही रखा है, निकालना नहीं है, निकालना क्या है करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन R, I इक्वल टू ये R इधर आ जाएगा, तो V है 6 है ना हमारे पास, ये दे भी रखा है 6 का, V है 6 या हमने लगाया भी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24। तो 6/24 कितना होता है, 6×1=6, 6×4=4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 एम्पियर यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए पैरेलल में है, ये तो सीरीज में आ गया था रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है। इसमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस 1 है 5 ओम का है, रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है 10 ओम, दो रेजिस्टेंस 3 भी है 30 ओम के।
टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये वर्कशीट आप जरूर देखिएगा, ध्यान से करना है, न्यूमेरिकल एक दो बार कर लेना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी आने वाले नहीं है। तो 1/R1 था फार्मूला, तो 1/5 हो जाएगा, 1/10, 1/30। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो लीजिए इसका एलसीएम, तो 1/3 आ जाएगा, सॉल्व करके देखना है। और 1/3 क्योंकि 1/R = 1/3 है तो उल्टा करेंगे तो R = 3 ओम होगा, तो इस तरह से ये आया है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कोई प्रॉब्लम आए, या अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो भी। अब इसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, कोई नहीं, आपके पास होगी ना वर्कशीट। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो यानी वी है 9 वोल्ट, लिखते जाते हैं, इज कनेक्टेड इन सीरीज, किस में है, इन सीरीज में है, ये ध्यान रखना है, पैरेलल में कि सीरीज में, सीरीज में दे दिया। रेजिस्टेंस आपको ये सारे दे रखे हैं, तो ये R1 से लेते हैं 0.2 ओम, R2 है 0.3 ओम, और R3 है 0.4 ओम, R4 है 0.5 ओम, और R5 है 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, हाउ मच करंट फ्लो होगा, करंट बताना है। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस नहीं पूछा क्या? अब बैटरी हो गया, ये रेजिस्टेंस दे दिया, हाउ मच करंट विद फ्लो, 12 के साथ करंट बताना है। तो देखिए ये सीरीज में है, सीरीज में है तो करंट क्या था, करंट हमारा कांस्टेंट था, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, करंट कांस्टेंट है यानी कि करंट तो सिंपल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सीधे करंट का फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक। और कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है हमें, 12 ओम के साथ, तो 12 ओम वाला ये है हमारा, तो यहाँ यानी 5 ले लेंगे हम सीधे ही, तो यानी I = होगा V/R5। बाकी की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन कर रहे हैं। हाँ, अगर टोटल रजिस्टेंस निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ के देखिएगा कितना आंसर आएगा, टोटल रजिस्टेंस बोला तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए वी है 9 और ये है आपका 12, तो इसको काटिए, 3 3 जा 3 4 जा, 3/4 आ गया, तो आई बराबर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 4 बाहर होगा 3 अंदर होगा, 0 आएगा, 4 7 28, 2 बचा, ठीक है, 4 7 28 आ गया, 0 लीजिए, 4 5 20, 0.7 एम्पियर होता है इसका साइन यूनिट, 75 आ गया ना, 0.75, ठीक है। अच्छा, इसने कहा है 12 के साथ लेना, तो 12 के साथ ही लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन था इसमें ए पार्ट था, बी और सी पार्ट करके दिखाना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला, करंट निकालना है ईच रजिस्टर के द्वारा, हर रजिस्टेंस में करंट क्या होता है। अच्छा, ये है कौन सा, ये पैरेलल वाला था ना ये, ठीक है, पैरेलल में है ये वाला क्वेश्चन, ये डायग्राम है, तो हर किसी का करंट निकालिए, तो क्या बनेगा, कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 है ना, तो V1 = I R1, तो करंट क्या आएगा, I1 = V/R1, और V आपका कितना है, V देखिए कितना है, V है 12, और यहां सब लिख लीजिए चाहे तो, ये R1 है देखिए 5 है ना, तो 12/5 कितना है, 5 10 5 20, ठीक है। ठीक वैसे ही I2 होगा V/R2, यानी 12/R2 कितना है, 10 है, तो 1.2 आ गया। ऐसे ही I3 होगा V/R3 यानी कि V 12 है और R3 30 है, 12/30, इसको भाग कीजिए, 6 2 12, 6 5 30, 0.4 आ गया। बी पार्ट हो गया हमारा, करंट निकालना था हर किसी के द्वारा, तो करंट इसमें अलग अलग हुआ, डिवाइड होगा, देखिए इसमें कांस्टेंट है करंट, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें यानी 3 पार्ट में होगा, तो ये V = IR1, IR2, IR3 इस तरह से होता है, तो V तो सेम होता है,
नाउ करंट इन ईच सर्किट, हर सर्किट में करंट निकालना है हमें, नहीं टोटल करंट निकालना है, सॉरी सी पार्ट, टोटल टोटल करंट यानी कि आई निकालना है। आई क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, आई वन आई टू आई थ्री, जोड़िए इनको, 2.4 जमा 1.2 जमा 0.4, तो कैसे जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 1 2 3 4, तो आई कितना आ गया 4 एम्पियर, ये सारे एम्पियर में होते हैं ऐसा यूनिट, क्लियर हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। ये दो सर्किट दे रखे हैं, अच्छा इसमें तो ये दिख रहा है आपको, ये तो पैरेलल में लगे हैं, ये भी पैरेलल में लगे हैं, लेकिन इन दोनों को सीरीज में लगाया हुआ है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर। पहले हम ए पार्ट करते हैं, थर्ड का ए पार्ट करते हैं, क्या निकालना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आर देखिए इसमें इसका नाम देते हैं आर वन आर टू आर थ्री, और इसका टोटल का नाम दे देंगे हम बाद में देंगे, पहले आर फोर आर फाइव आर सिक्स, छः है ना ये, इसमें फिगर में तीन लाइन तो आपको दिख रही है, तीन लाइन इधर तीन इधर, तो ये पैरेलल में है, तो आर सिक्स के बाद आर सेवन दे देते हैं, ये पैरेलल में है तो क्या आएगा, आर सेवन वन बाय आर सेवन होगा, वन बाय आर वन, वन बाय आर टू, वन बाय आर थ्री, ठीक है, तो कितना आ गया, ये तो एक बटा एक, एक ही आएगा, एक बटा आर सेवन, एक प्लस एक प्लस एक, एक बटा एक, एक ही आएगा, एक दिया हुआ ना, तो ये तीन आने वाला है, तीन बटा एक हो गया, तो आर सेवन होगा उल्टा एक बटा तीन। ठीक वैसे ही इस वाले के टोटल को आर एट मान लेते हैं, ठीक है, फिर उन दोनों का टोटल टोटल रेजिस्टेंस आर होगा, आर एट भी वही होगा, आर फोर आर फाइव आर सिक्स, तो क्या आएगा, ये भी वन प्लस वन प्लस वन थ्री आ जाएगा, ये एक बटा आर एट है, ठीक है, एक बटा आर एट होगा तीन बटा एक आर एट, तो आर एट कितना आएगा, एक बटा तीन। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वो होगा एक बटा आर सेवन, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये और ये पूरा सीरीज में है, यहाँ पे देखिए ये आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये पूरा इसका जो कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है, तो आर बराबर होगा आर सेवन जमा आर एट, इसको और इसको जोड़ देंगे, एक बटा तीन जमा एक बटा तीन को जोड़ेंगे, दो बटा तीन आएगा, तो आर बराबर आएगा 0.66 ओम रेजिस्टेंस, ये होता है ना, समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में भी देखिए ऐसे कुछ है, पहले सीरीज में है और फिर पैरेलल है, यानी इन दोनों को जोड़ के सीरीज का निकाल लेंगे टोटल, तो नाम दे देते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, नाम दे दिया, ठीक है, तो बी पार्ट कैसे आएगा, इन दोनों के टोटल का आर फाइव दे देते हैं, ये सीरीज में है ना, तो आर फाइव होगा आर वन प्लस आर टू, ध्यान रहे सीरीज में है, और ये तीन तीन के हैं, यानी तीन जमा तीन कितना आ गया, छः ओम आ गया, ऐसे आर सिक्स ये भी सीरीज में है, तो आर थ्री जमा आर फोर, ये भी तीन है, ये भी तीन है, छः ओम आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन ये पैरेलल में है, तो वन अपॉन आर इक्वल टू होगा वन अपॉन आर फाइव जमा आर सिक्स, यानी वन बाय सिक्स जमा वन बाय सिक्स, टू बाय सिक्स, वन बाय थ्री, तो वन बाय आर उल्टा हो जाएगा, आर इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह से देखिए ये जो थे इसका ये आंसर आया और इसका ये आया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स, कितने रेजिस्टर्स आएंगे इतने में, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, वी इलेक्ट्रिक करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर, वी है 220 वोल्ट, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, तो सबसे पहले R बराबर क्या होता है, हैं V अपॉन I, यही होता है ना, V इक्वल टू आई आर, तो 220 अपॉन 5 कर देंगे, कितना आएगा, 5 20 5 20 इतना आ गया,
टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, नंबर निकालना है, तो आपके पास इतने वाले कितने रेजिस्टेंस होंगे, यानी 176 को 44 से डिवाइड दे देंगे, किससे कटेगा, 4 चक 16 चक 16 17, 4 आ गया, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर हुआ ये, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा जल्दी करा दिया आज मैंने ना। चलिए इस तरह से हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।